प्यारे बच्चों, आज हम घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अंकित मान व स्थानीय मान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है, तो इस संख्या को यदि हमने जानना है कि क्या संख्या है, तो जैसे आपको पता है हम इकाई दहाई के द्वारा इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ये इकाई का है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। तो इस संख्या में से हमने हर संख्या का अंकित मान व स्थानीय मान बताना है। जैसे संख्या जो इकाई है, इकाई की चार संख्या है, इसका स्थानीय मान बताना है और अंकित मान बताना है और स्थानीय मान बताना है। अंकित मान वही मान होता है जो अंक हो। जैसे सात है तो इसका अंकित मान सात है, छह है तो छह है, एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है। जैसे एक से नौ तक की संख्याएं हैं, उनका अंकित मान वही है जो अंक है। तो जैसे शुरू करते हैं, जैसे चार है, इस संख्या का अंकित मान भी क्या होगा? चार। नौ है तो इस संख्या का अंकित मान भी क्या होगा? नौ। तीन है तो अंकित मान भी क्या होगा? तीन। पांच है तो अंकित मान भी पांच। छह का छह, सात का सात। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी भी संख्या का वह मान होता है जिस जगह या जिस स्थान पर वो संख्या हो। जैसे ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर, दस हजार पर और लाख पर। जैसे स्थानीय मान निकालना है हमें, ये चार है तो हम यहाँ चार लिखेंगे, तो ये इकाई के साथ, एक इकाई के साथ इसको गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया? चार। नौ है तो नौ को हम दाही के स्थान पर है तो हम एक दाही के साथ इसकी गुणा करेंगे तो इसका कितना आ गया? नब्बे। तीन है, जो तीन संख्या है, अंक है, तीन अंक को हम, ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हम एक सैकड़े के साथ इसको गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान आ गया 300। पांच है तो पांच का जो अंकित मान पांच है और स्थानीय मान जो पांच है वो हजार के स्थान पर है तो हम इसको एक हजार के साथ गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान हमारे पास कितना आ गया? 5000। अंक छह जो अंक है वो 10000 के स्थान पर है तो हम इसको 10000 के साथ गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान 60000 आ गया। इस लाख जो सात है वो लाख के स्थान पर है तो हम इसको एक लाख के साथ गुना करेंगे तो सात का जो स्थानीय मान है वो 7,00,000 आ गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो अंकित मान है और स्थानीय मान है उसमें क्या अंतर है। एक इसका आसान सा तरीका और है निकालने का। जैसे हमें किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसे चार है, चार के पीछे कितने अंक हैं?
कुछ नहीं, तो इसको चार ही लिखेंगे। नौ का निकालना है, नौ के पीछे कितने अंक है, एक अंक है, तो हम एक जोड़ लगाएंगे। तीन के पीछे कितने अंक है, दो अंक है, तो दो जीरो लगाएंगे। पांच के पीछे तीन अंक है, तो तीन जीरो लगाएंगे। छह के पीछे चार अंक है, तो चार जीरो लगाएंगे। सात के पीछे चार पांच अंक है, तो पांच जीरो लगाएंगे। इस तरह से हम स्थानीय मान व अंकित मान के बारे में समझा। प्यारे बच्चों, हम स्थानीय मान को व अंकित मान को अपने करंसी, अपने नोटों के द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे ये कितने का नोट है, पांच का, तो ये पांच लिखा है इस पर, तो इसका स्थानीय मान व अंकित मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक, इसका अंकित मान भी पांच है और स्थानीय मान भी पांच ही रहेगा। जैसे ये कितने का नोट है, दस का, इसमें एक और जीरो लिखा है, तो इसका अंकित मान क्या होगा, एक और स्थानीय मान दस। शाबाश। ये 200 का नोट है, इसमें अंकित मान कितना है, दो और स्थानीय मान 200। 500 का है, तो इसका अंकित मान कितना है, पांच और स्थानीय मान 500। 2000 का है, तो इसका अंकित मान कितना होगा, दो और स्थानीय मान 2000। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में आसानी से पता कर पाएंगे।